हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम फेस को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव के रिजल्ट से पहले सीएम के चेहरे का ऐलान करने में परहेज कर रही है। इसी बीच पार्टी के कुछ नेता खुद मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ी घोषणा की, जिसमें उनका कहना था कि पार्टी सीएम फेस का ऐलान चुनाव के नतीजों के बाद भी कर सकती है। सीएम फेस के तौर पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देवास सपोर्ट बेस इन द, मैं हिंदी में बोल दूंगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे, कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारी कमान का आशीर्वाद लेता है। तो आज तक के कोई पूरे इतिहास को आप खंगाल लेना, कई ऐसे चेहरे भी होते हैं कि जो चुनाव से जुड़े हुए नहीं होते, फिर भी उसको विधायक दल के नेता बनाए जाते हैं। इसलिए आपका नायब सैनिक को भी इवन बीजेपी वालों ने बना दिया, कहाँ था वो। बताया जा रहा है कि सीएम चेहरे का ऐलान ना करने का फैसला पार्टी हाईकमान ने हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को देखते हुए लिया है। दरअसल लोकसभा चुनावों में जीते सांसदों और राज्यसभा सदस्यों को इस विधानसभा चुनाव की टिकट ना देने के फैसले से हरियाणा कांग्रेस का माहौल गर्म था। इस गर्मा गर्मी का असर चुनाव पर ना पड़े, इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अब भी ये तय माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को इस बार बहुमत मिलता है तो सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी में दो गुट बनेंगे, जिसमें एक खेमा हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाएगा, जबकि दूसरा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की पैरवी करता हुआ नजर आएगा। बता दें 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के पास करीब 2500 आवेदन आए हैं, जिन पर समिति विचार कर रही है। जो है मैं समझ रहा हूं कि काफी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है, सिलेक्शन की रेंज भी इनके पास जो आज कमेटी के पास बड़ी हो रही है, और जो 2500 जो आवेदन आए थे उनका भी इंटरव्यू है, उनमें से भी एक शॉर्ट लिस्ट कल परसों मेरे पास आएगा, उनमें से भी कई नाम थे निकाल के जरूर से हमारे चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए किसे आगे करेगी। वहीं बाबरिया ने यह भी साफ कर दिया था कि हरियाणा में किसी भी लोकसभा और राज्यसभा सांसद को विधानसभा से टिकट नहीं दिया जाएगा, और जो सांसद चुनाव लड़ना चाहता है उसे सीधे हाईकमान से इजाजत लेनी होगी। उनके इस बयान को शैलजा और सुरजेवाला के लिए बड़े झटके और हुड्डा के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस पर शैलजा हाईकमान से बात करने की बात भी कह चुकी हैं। सीएम का फेस तो देखो सभी लोग होते हैं, नेता होते हैं, तो सीएम कोई भी हो सकता है, फेस कोई भी हो, लेकिन ये फैसला तो हाईकमान करेगा चुनाव के। ऐसे में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में घमासान तय है। बताया जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर संभावित घमासान को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दो फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। इसमें पहला है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो भी खेमा पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा उसे ही सीएम फेस बनाया जाएगा, यानी अगर पार्टी 46 सीटों के आंकड़े को पार करती है तो निर्दलियों को साधने और जोड़ तोड़ के लिहाज से हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस 50 या 55 से ज्यादा जीतती है तो कुमारी शैलजा को सीएम फेस बनाया जा सकता है। आपको बता दें हुड्डा इससे पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि कुमारी शैलजा 4 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं।